सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैंने जाना है एक फंक्शन में, रिसेप्शन अटेंड करना है मैंने, वलीमा रिसेप्शन ऑब्वियसली। सो उसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या निकालूं। पता है मैं जितने भी मेरे एक्स्ट्रा कपड़े थे जो मैंने शादी में नहीं पहने थे देवर के, सब मैं रख चुकी हूँ, तो मैं इसमें से ही कुछ पहन लूँगी जो अभी निकला हुआ है। और मैंने सोचा आप लोगों को ये ड्रेस भी दिखा दिया जाए, मेरे वलीमे का ड्रेस भी आ गया है जो मैंने वलीमे में पहनना है। सो ये बहुत हैवी है, इसलिए मैंने तरीके से फोल्ड करके इसको हैंग करा हुआ है। अब जब पहनूंगी डिटेल में दिखाऊंगी, अभी इतनी डिटेल में आप लोगों को नहीं दिखा रही, ठीक है? और बस मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। अब ढूंढती हूँ इनमें से मुझे क्या पहनना है, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ। तो ये ड्रेस है मेरा, देख लें आप लोग, ये तरीके से स्लीव्स हैं इसकी, बहुत सिंपल सा है। और यहाँ सेंटर के अंदर इसके तरीके से बॉल लगी हुई है, खुला हुआ अंदर इनर है इसके स्किन कलर का। और ये देखें, ये नीचे से इस तरीके से है, इसका ओवरऑल लुक देख लें। बाकी जब पहनूंगी तो ऑब्वियसली आप लोगों को और सही से दिख जाएगा, दुपट्टा वगैरह सब दिखा दूंगी जी। तो इसके साथ इयररिंग्स जो मैं पहन रही हूँ, तो मैं अपनी बारात की इयररिंग्स पहन रही हूँ, बारात के सेट के साथ के। इंशाल्लाह शादी से फारिग हो जाऊँ तो फिर डिटेल में आप लोगों को अपना ये ज्वेलरी भी दिखाऊँगी। ये देखें, सिर्फ नेकलेस पहन रही हूँ साथ में, एक मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए सूरज से नेकलेस है, तो सिर्फ ये पहन रही हूँ, साथ में चेन वगैरह पहन लूँगी, इसका नेकलेस नहीं पहनूंगी तो काफ़ी ओवर हो जाएगा, ठीक है? चलें जी, अब खाना बना लेते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार हो चुका है, बस खाना खाएंगे और फिर तैयारी शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है आजकल बहुत जल्दी बन जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी तो तैयार होने लगे हैं, 8 बज चुके हैं, वहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं है मुझे, सिर्फ 25 मिनट लगे हैं तैयार, 25 मिनट मिले हैं तैयार होने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आज मैं ये वाला बेस जो है ना उसको ट्राई करूँगी, प्राइमर भी ट्राई करूँगी कैसा है, फिर आप लोगों को रिजल्ट बता दूँगी। चलिए जी, मैं फटाफट तैयार होने लगती हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, फटाफट से आप लोगों को बताती चलूँ। ये बहुत 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 अच्छा है, रिकमेंडेड है 100 to 10%, बहुत ज़बरदस्त है। और ये वाली बेस भी बहुत अच्छी है, बहुत फ्लॉलेस है, और जिसकी स्मेल सबसे ज़्यादा अच्छी है, जो प्राइमर है ना उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़बरदस्त है, मैं कहती हूँ आप लोग एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करें इसको, बहुत ज़बरदस्त है ये। भाई बुक और यही कर रही है, प्रॉब्लम सादे होते हैं। हम लोग हॉल पहुँच गए हैं, पर इतनी लेट पहुँचे हैं कि क्या ही बताएं। ऐसा हम लोग के लिए नॉर्मल है, हम लोग हमेशा ही बहुत लेट पहुँचते हैं, क्या करें। अम्मी और कज़न हैं खाना लेने के लिए, और मैं हर जगह यू नो घेर के बैठी हुई इन लोगों के लिए। खाना आ गया है और बस अब खाना खाएंगे, क्योंकि घर इतनी लेट आए हैं और फिर जिस लोगों से मिलना है उनसे भी मिल लेते हैं। फिर वेरी यम्मी, बहुत टेस्टी है, डोंट नो कि इसको क्या कहते हैं, क्या नाम है, जैसा किसी को पता हो तो मुझे बताएं, बहुत यम्मी है। अभी मैंने टेस्ट किया, बहुत मज़े किया। अरे झींगे हैं यहाँ पे ना, मैंने खाए इनको, मुझे पता नहीं था कि झींगे जो कि बहुत ही अमीर है, लेकिन जब पता चल गया ना उसके बाद एक बाइट लेने का दिल नहीं कर रहा है। अच्छा जी, तो हॉल की लाइटें बंद हो चुकी हैं, अब थोड़ी देर में हम लोग घर के लिए निकलेंगे। ये मेरी इंगेजमेंट की सैंडल्स है। अच्छा जी, वो तो हम लोग घर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा ब्लॉग की एंडिंग कर दी जाए। और ये इसी लाइन में आगे जाके मेरा भी पॉलर था, जहाँ बारात में तैयार हुई थी सफायर से, और इसी के साथ करती हूँ उस ब्लॉग की एंडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।